हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे सेफ होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कुछ मेरे जो ब्लाउज़ कलेक्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगी, और उनके जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक है और मतलब मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने आपको अपना सारी कलेक्शन दिखाया तो उनके मैं कुछ ब्लाउज कलेक्शन में दिखा दूँ। तो मैं सारे ब्लाउज नहीं दिखा रही, मैं कुछ ही ब्लाउज है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। तो जैसे कि है, ये इतने सारे मेरे पास कुछ ब्लाउज कलेक्शन है, तो मैं अभी आपको एक एक करके सारे ब्लाउज आपको दिखाऊंगी, ये देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक एक करके अपने सारे ब्लाउज दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा फर्स्ट ब्लाउज जो कि आप देख सकते हैं, ये है व्हाइट कलर में, और ये जो मैंने ग्रीन कलर की जो आपको साइज दिखाई थी टील ग्रीन की, ये उसकी ब्लाउज है। और इस ब्लाउज की सबसे अच्छी बात ये है कि ये व्हाइट कलर में है, तो इसके जितने फ्लावर्स हैं वो काफ़ी मतलब अच्छे हैं, और मतलब ये इतने सारे कलर्स के साथ अवेलेबल है कि मतलब आप किसी भी साड़ी के साथ आप इसे मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। और एक बता दूं कि मेरे जो स्लीव्स हैं, किसी में छोटे स्लीव्स हैं, किसी में बड़े स्लीव्स हैं। तो जो मैं पहले सिलवाई थी वो मैं छोटे वाले स्लीव सिलवाई थी, तो आप देख सकते हैं सब गोल्डन भी है एंड वाइट भी है एंड सारे कलर्स भी इसमें मिक्स है। तो इस तरह का आप एक ब्लाउज अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो आप इस तरह से एक अलग सा ब्लाउज भी कपड़े लेकर भी सिलवा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है वो आगे से आपको यू शेप मिल रहा है, काफ़ी यू है। और मैंने इसके फ्रंट में आप देख रहे हैं ये सिंपल सा मैंने बनवाया है, और यहाँ पर आपको एक लाइनिंग से देखने को मिलेगी, ये देखिए मैं भी आपको दिख रही होगी। तो मैंने इस तरह से ये जो एक मतलब मैं जहाँ सिलवाती हूँ उनका एक हाथ से पता चला कि सामने ये जो लाइनिंग देते हैं ना, इससे बहुत ही अच्छी फिटिंग बैठती है। एंड साथ ही इसका जो बैक है ये मैंने इसमें हुक दिलवाया हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे मैंने ये हुक दिलवाया हुआ है ये इस तरह से, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। और सामने से अगर कट नहीं रहती है तो आप साड़ी को थोड़ी सी नीचे आप अच्छे से ड्रैप करके भी आप पहनोगे तो काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सेकंड ब्लाउज जो कि मेरी थी, जो पैरोट ग्रीन जो आपको मैंने दिखाई थी, जो सिंपल सी साड़ी थी। तो अगर आपकी साड़ी अगर सिंपल है और ब्लाउज अगर हैवी है तो आप इस तरह का सा सिलवा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके फ्रंट में आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये रहा इसका फ्रंट है, ये अभी यू शेप में ही है और इसमें काफ़ी वर्क किया हुआ था। और सामने में आप इसका भी देख रहे होंगे एक लाइनिंग सी दी हुई है। तो मैं जो भी ब्लाउज जो पीछे से जो बैक के मतलब मैंने हुक लगवाया है तो मेरे सामने आपको इसी तरह का लाइनिंग आपको दिखने को मिलेगी। ये सिंपल सी आता सामने सिंपल रहेगी एंड साथ में आपको ये लाइनिंग दिखेगी। और इसके भी जो स्लीव्स है वो भी छोटे वाले स्लीव्स हैं, और इसका जो बैक है वो काफ़ी अलग है, आप देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है इसका, अलग लुक देने के लिए मैंने ये ऐसे बटन सा ऐसे मतलब बनाया हुआ है, थोड़े से कपड़े मैंने एक्स्ट्रा इसमें लगा के, एंड इसी के ही हैं ये कपड़े। और इसमें अपना इस तरह से ये हुक आती है, तो आप देख सकते हैं ये पीछे से काफ़ी अच्छा इसका लुक आता है, क्योंकि अगर आपका साड़ी में अगर फ्रंट में अगर वर्क है और पीछे अगर सिंपल है तो कुछ उसमें अच्छे सब डिज़ाइन लगाओगे तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। और इसका देख रहे हैं आप शेप जो है ये हुक लगी हुई है, तो ये थोड़ी सी डीप नेक है इसीलिए इसमें मेरी हुक कम दिलवाई है, ये देखिए बस तीन ही हुक है इसमें। तो ये भी साड़ी मतलब मुझे बहुत अच्छी थी, गोल्डन में ग्रीन में काम किया हुआ था, तो ये साड़ी का ब्लाउज भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने इसे इस तरह से सिलवाया था, देख सकते हैं। तो ये पूरा मतलब राउंड में आएगा, थोड़े से आपको ऊपर जाते वक्त और नीचे जाते वक्त थोड़ी सी वहाँ पर पतली हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे ये ब्लाउज। और इसमें भी मतलब ये फुल वर्क था, तो आप इस तरह से मतलब मैं आपको बोलूंगी कि अगर थोड़े से अगर वर्क होंगे तो आप उसमें थोड़ी से आप पीछे डिज़ाइन जरूर दिलवाए, क्योंकि जो सिंपल ब्लाउज होते हैं उसमें ज़्यादा डिज़ाइन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वैसे ही अच्छे लगते हैं। और जो थोड़े से सामने में इस तरह का डिज़ाइन होते हैं तो उनमें थोड़े से पीछे आपको थोड़ा सा आपको डिज़ाइन दिलाने से और भी इसका स्टाइलिश लुक जो होता है वो आता है खिल के, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना थर्ड ब्लाउज। तो थर्ड ब्लाउज है मेरी ये जो मैंने ऑरेंज रेड जो साड़ी दिखाई थी, ऑरेंज येलो जो थी साड़ी, तो वो येलो कलर की साड़ी है, बट मुझे जो उसकी ब्लाउज ऐसी हुई थी ये रेड कलर की, और ये सिल्क साड़ी जो मेरी थी उसकी है ये ब्लाउज। तो ये ब्लाउज मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें गोल्डन का ये आपको बूटियाँ मिल रही हैं, किसी भी साड़ी के साथ आप इसे वेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गोल्डन भी है एंड रेड भी है। और इसका देखिए इसका जो स्लीव है, मैं थोड़े से इसको बड़े स्लीव्स बनवाए हैं,
तो ये काफी मुझे अच्छा लगा। और इसका जो आपको डिजाइन आप सामने दिख रहा होगा कि आपको ऐसे थोड़ी सी राउंड आके भी शेप थोड़ी सी मिलती है। और मेरी जो नेक है वो ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, मतलब ज्यादा डीप नहीं है सामने से, थोड़ी सी मैंने छोटा ही रखा है जिससे मैं कंफर्टेबल पहन सकूँ। तो उस तरह का ही मैं ब्लाउज लाती हूँ एंड इसमें आपको ये बॉर्डर मिलता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। अभी ये ट्रेंड चला है कि थोड़े से स्लीव्स बड़े रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। ये जो स्लीव्स है ये कभी भी आउटडेटेड नहीं होती है, ये हमेशा ही चलती है। सो आप इस तरह का, मैं आपको ये कहूँगी आप ब्लाउज ला रहे तो थोड़ी सी आप बड़े स्लीव्स ही सिलवाइए। तो जो मेरे छोटे वाले स्लीव्स थे वो थोड़े से मैं पहले सिलवाई थी तो इसीलिए वो ऐसे हैं, लेकिन अभी मैं जो भी सिलवाती हूँ वो थोड़ी सी मैं उसकी स्लीव्स बड़ी ही सिलाती हूँ। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और बहुत ही अच्छा भी लगता है, मतलब आपकी जो बॉर्डर वाली साइड रहती है ना, साथ में आपका जो बॉर्डर यहाँ पे छिप जाती है तो थोड़ी सी जो बड़ी रहती है तो यहाँ से आपका जो बॉर्डर दिखता है यहाँ पे बॉर्डर, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये भी सामने से आपको दिख रही होगी, ये भी सामने से मैंने ऐसे ही प्लेन सिलवाया है। तो ये सिंपल है, आगे आपको फ्रंट में दिख रही होगी और पीछे बैक जो है इसमें आपको ये गोल्डन कलर का दिख रहा होगा। तो ये इसका बॉर्डर था जो मैंने इस बार नीचे में दिलवाया है इसे। और इसका जो आपको पीछे का जो बैक दिख रहा होगा ये आपको स्ट्रेट आके ऐसे पूरा यू दिखेगा, आपको पूरा राउंड नहीं बस स्ट्रेट आके राउंड आपको दिखेगा। तो इसका जो थोड़ा सा गले का डिजाइन है आपको इस तरह से दिखेगी। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोग, मैंने देखा है कि ये जो ब्लाउज होते हैं ये ब्लाउज को यहाँ से सिलवाते हैं, बट मैं थोड़ी सी इसको बड़ी करके सिलवाती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, मतलब आपके कंधे से हटती नहीं है, जैसे आप पहनते हो वैसे की वैसी रहती है। तो मैं थोड़ी सी, मैं चाहती हूँ कि अगर ब्लाउज कंफर्टेबल पहनते हो तो साड़ी आपकी थोड़ी सी इधर उधर होती भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह का ही ब्लाउज है, मैं थोड़ी सी जो साइज है वो थोड़ी सी मैं बड़ी भी सिलवाती हूँ तो उससे अच्छा लग, तो मैं थोड़ा सा इस तरह का ही ब्लाउज सिलाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका भी डिजाइन काफी यूनिक है। ये है मेरी फोर्थ ब्लाउज और ये जो मैं हेवी वाली जो साड़ी थी ये उसकी ब्लाउज है जो रेड एंड ऑफ वाइट में थी। और ये जो साड़ी है इसके, तो जो साड़ी है वो तो काफी हेवी थी, तो इसका ब्लाउज इस तरह सा सिंपल सा था गोल्डन कलर का, तो मैंने इसे सिंपल से सिलाया है। ये देख सकते हैं आप, छोटा सा इसको मैंने राउंड लाया है और ये काफी मेरा ऊपर तक, मतलब आपको दिख रहा होगा। इस तरह का ब्लाउज अच्छा लगता है, आप इस तरह से आराम से पहन सकते हैं एंड सामने से आपको फिर से यहाँ पे आपको दिख रही होगी इस तरह की लाइनिंग दी हुई है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी फिटिंग देती है। एंड इसके जो स्लीव्स है वो बड़े वाले ही स्लीव्स हैं, इसमें आपको थोड़े से छोटे दिख रहे होंगे बट फिर भी ये यहाँ तक की स्लीव्स है ये। और इसमें आपको देख ही रहे होंगे पूरा काम किया हुआ है। और इसका जो बॉर्डर जो था ब्लाउज जैसे रिसीव थी मैंने वही बॉर्डर से बस दिलवाया है। एंड इसका जो पीछे का आपको दिख रहे होंगे इसमें पीछे ऐसे बैक में मतलब डिजाइन किया हुआ था तो इसको मैंने बैक से नहीं कटवाया है, ये जैसा था डिजाइन मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है और इसे इस तरह का डिजाइन भी मैंने बनाया है। और इसमें भी आपको यू शेप ही मिलेगी, पीछे का बैक आपको दिखता है और नीचे से इतनी चौड़ी बॉर्डर है, मतलब डिजाइन किया हुआ है इसमें। और इसका जो मैंने इसमें बैक, मतलब इसमें हुक नहीं दिलाया है एंड फ्रंट में भी मैंने इसे नहीं कटवाया है, इसका मैंने कटवाया है, मतलब यहाँ पे जिन्होंने दिया है बहुत ही अच्छा उन्होंने मुझे आइडिया दिया था जिस टेलर के पास उन्होंने सिलवाया था, तो ये काफी अभी मतलब अच्छा लगा मुझे। तो आप भी इस तरह का सिलवा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जिप लगवा दी है, कंफर्टेबल खुद से पहन सकते हैं। हुक वाले में पीछे बैक जो हुक वाली होती है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हम खुद से पहन नहीं पाते, बट इस तरह का जो, अगर आप उस तरह का नहीं पहन सकते हैं तो आप इस तरह का भी ब्लाउज बना सकते हैं जो कि काफी अच्छा लगता है। और एक चीज मैं बता दूं कि इसमें ना नीचे ना मैंने हुक दिला दी है जिससे कि क्या होगी जो जिप है ना हमारी वो अच्छे से एक ही जगह सेटल रहेगी, क्योंकि जब हम पहनते हैं ब्लाउज ना तो जो जिप है ना वो टनती है, बट आप जब हुक लगा दोगे ना तो वो कहीं हिलेगी नहीं और ये काफ़ी दिनों तक चलेगा भी जिप आपका। इसे मैं काफ़ी कंफर्टेबल होकर पहन पाती हूँ तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा था। और उस वक्त मैंने ये सिंपल से ऐसे डोरी दिलवा दी थी, बट देखते हैं इसका क्या करेंगे अभी, क्योंकि इसको या तो मैं कट करा दूंगी या कुछ इसमें कुछ लटकन वगैरह मैं डाल दूंगी जिससे थोड़ी सी है मतलब, तो और भी ब्लाउज अच्छी हो जाए। तो ये जैसे थी मैंने बस वैसे ही एक बार ही पहना था तो मैं इसे छोड़ी थी, और ये गोल्डन कलर का इन्होंने दिया था तो ये मुझे ऐसे ही अच्छी लगी थी। तो उन्होंने खुद से दिया था क्योंकि हैवी ब्लाउज है, मतलब ये हैवी दिखती है तो थोड़ी सी झूलने की मतलब प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए उन्होंने ये दे दिया था। आप लोग मुझे कमेंट बताइए कि आपको कौन सा ब्लाउज का डिजाइन अच्छा लगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ। तो ये है मेरी नेक्स्ट ब्लाउज, आप देख सकते हैं ये है रेड कलर की, ये जो ऑरेंज वाली जो आपने नेक वाली जो साड़ी देखी थी ये उस ऑरेंज वाली साड़ी का है ये ब्लाउज। और ये सिंपल था स्टाइलिश लुक देने के लिए, इसमें मैंने अलग से ये नेट लगवाया है इसी कलर में जिसे थोड़ा सा ये और भी अच्छा इसका लुक आए और थोड़ा सा स्टाइलिश लगे देखने में। तो आप देख सकते हैं जो कपड़ा था वो मैंने यहाँ तक दिलाया है एंड बाकी ये जो गला है मतलब नेक के साइड में इसे मैंने बस नेट डलवा के ही छोड़ा है और इसमें कुछ नहीं कपड़ा नहीं दिलाया है ऊपर में। तो इसे पहनने के बाद ये काफ़ी अच्छा लगता है। और रेड कलर का ब्लाउज तो आप येलो कलर की साड़ी के साथ भी पहन सकते हो या ग्रीन कलर की साड़ी के साथ भी वेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये ऐसा साड़ी है कि आप मतलब ऐसा ब्लाउज है ये कि आपको ये मतलब बहुत ही अच्छा आपको लुक देता है ये,
तो ये इसीलिए मैंने कुछ अलग ये ब्लाउज सिलवाया था। और हैं ये भी मेरे छोटे वाले, इसके स्लीव्स हैं। और इसका जो है उसका मैंने ये जो बैक है इसमें मैंने हुक ही दिलाया है। और इसका जो यू है ये थोड़ा सा आपको डीप यू में आएगा, इस तरह से सामने भी आपको यू मिलेगा, इस तरह से ब्रॉड यू जो आती है बड़े वाले, एंड इस तरह से भी आपको इसका भी यू ही मिलेगा। तो इस तरह से मैंने इसका सिलवाया था। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी ये वाली ब्लाउज। सिंपल ब्लाउज को भी आप चाहें तो आप ऐसे स्टाइलिश लुक दे सकते हैं कुछ इस तरह से बना के, तो इस तरह से भी आप बनवा सकते हैं। और ये पीछे इसमें हुक लगी हुई है आप देख सकते हैं। तो ये ब्लाउज भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ। तो ये है मेरी नेक्स्ट ब्लाउज जो कि आप देख सकते हैं गोल्डन कलर की है, और थोड़ी सी आपको व्हाइट व्हाइट भी आपको उसमें दिखने को मिलेगी। और ये देख रहे हैं इसमें मैंने थोड़ा सा बस जो बॉर्डर था ब्लाउज में दिया हुआ था बस मैंने वही इसमें लगवाया है। और ये गोल्डन में थोड़ा सा आपको टच मिलेगा, और इसका जो डिजाइन है वो मैंने थोड़ी सी अलग इसमें की है क्योंकि साड़ी थोड़ी सी इसकी भी हैवी थी। तो ये सिंपल सी ब्लाउज थी तो मैंने इसमें थोड़ी सी हैवी लुक डालने के लिए इसमें क्या किया है मैंने, आप देखिए ये है मेरा इसका बैक का डिजाइन है। ये आपको ये बैक दिख रही होगी, तो इसका जो साइड का है इसमें मैंने पाइपिंग दिलवाई है ब्लू कलर की, एंड है उसके ऊपर बाजू वाले में मैंने थोड़ी सी ऑरेंज कलर की पाइपिंग दिलाई है जिससे कि दोनों कलर इसमें खिल के आ जाए। और इसका जो डिजाइन है वो काफी अलग आपको दिखेगा इस तरह से, आपको मतलब कटिंग आपको देख के समझ में आ रही होगी कि पीछे से आपको इस तरह से छोटे से यहाँ पे आपको भी दिखेगी, एंड साइड से आपको ऐसे यू से दिखेगी। तो डिजाइन कुछ इस तरह से एंड फिर इस तरह से है आपको दिख रही होगी, मे बी आपको समझ में आए। ये देखिए ये है इसका बैक, तो आपको ऊपर से राउंड शेप एंड नीचे से फिर आपको भी शेप मिलती है। और इसमें आप अगर पाइपिंग दिलाते हो किसी ब्लाउज में, सिंपल से अगर ब्लाउज भी दिलाती है उसमें अगर पाइपिंग दिलाते हो ना तो उस ब्लाउज का एक अलग लुक आता है। तो आप अगर सिंपल ब्लाउज में पाइपिंग जरूर दिलाएं क्योंकि उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने थोड़ी सी और इसे स्टाइलिश बनाने के लिए अपने बैक में एक ब्रोच लगा दिया है, आप दिख रहे होंगे। तो ये मुझे और भी अच्छा लगा था, और इस ब्लाउज को मैंने काफ़ी मतलब मेहनत की थी इसको, तो मुझे ऐसा नहीं ऐसा डिज़ाइन चाहिए। तो मैंने उनको बहुत बोला कि मतलब थोड़ी सी अलग मुझे डिज़ाइन चाहिए क्योंकि इसका कपड़ा जो था बहुत ही अच्छा था और सिंपल था। तो मुझे सिंपल कपड़े में क्या होता है ना, आपको डिज़ाइन बनाते तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैंने इसीलिए इसका एक अलग ही लुक देने की कोशिश किया। और इसका आप जो देख रहे हैं फ्रंट और सामने से ही है, यहाँ पे सामने आपको हुक लगी हुई है क्योंकि अगर आप बैक में डिजाइन मतलब उस तरह से कराते हो तो आपका बैक अगर दिखता है तो फ्रंट थोड़े से सिंपल भी आप रख सकते हो। तो ये फ्रंट मेरा सिंपल है बट आपको मेरा बैक जो है वो थोड़ा सा डिजाइन दिखेगा आपको, देखिए। तो कुछ इस तरह का लुक है इसका। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ। तो ये है मेरी नेक्स्ट ब्लाउज, और ये ब्लाउज मैंने मीशो से परचेस किया था, आपने देखा ही होगा मेरे किसी ब्लॉग में आपको दिखाया था। तो ये थी ब्लैक कलर की ब्लाउज जो कि ये भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी अपन जो ब्लाउज कलेक्शन है उसके साथ ही आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये ब्लैक कलर की है, और इसमें आपको मिरर मिलते हैं जो प्लास्टिक वाले मिरर हैं वो, और इसमें ये जो मिरर है काफ़ी अच्छे से स्टिच किए हुए हैं तो ये काफ़ी शाइनिंग है। और किसी भी प्लेन साड़ी के साथ, सिंपल साड़ी के साथ या कोई भी कलर की साड़ी के साथ ये बहुत ही आसानी से मिक्स एंड मैच हो जाती है। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, सो मैंने इसीलिए ब्लैक कलर का मंगाया क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर की नहीं थी, तो मुझे लगा कि एक इस तरह की ब्लाउज आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह का मैंने मंगाया था, और आप देख सकते हैं ये भी सामने सबको तो यू दिख ही रही होगी, और इसकी आप देखिए कुछ इस तरह सा है। तो ये काफ़ी डीप नेक है इसकी, और ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। इसकी साइन देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और इसमें पीछे में आपको बैक में आपको ये हुक मिलती है, ये देखिए। तो ये काफ़ी अच्छी है, एंड आपको इसमें स्लीव्स भी मिल जाती हैं, अगर आप स्लीव्स लगवाना चाहते हैं तो वो भी लगवा सकते हैं। तो मुझे ये वाला बहुत ही अच्छा लगा ब्लाउज, तो अगर आप चाहें तो आप भी इसे ले सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है वो मैं डाल दूंगी, बाकी सब तो मैंने खुद जो मेरी साड़ियाँ थी उसकी ब्लाउज मैंने खुद से ही स्टिच कराई है, खुद से ही उनको डिज़ाइन बताया है कि आपने इस तरह का डिज़ाइन सिल लिए। तो उन्होंने जैसा जैसा मतलब मैं जैसे उनको बताती गई हूँ उस तरह का मेरा वो ब्लाउज सिल के दिए हैं, और मैं ये सारे जो ब्लाउज लाई हूँ ये मुझे मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मैं जैसे बोली थी उन्होंने जो मैंने जो टेलर है तो वो बहुत ही अच्छे से सिल के दिए थे। तो इसीलिए मैं सोचा कि मैं आपके साथ भी इसका दिखाती हूँ अपने सारे ब्लाउज। तो कैसा लगा आपको ये मेरे सारे ब्लाउज आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड प्लीज़ गाइस अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।